तो हम लोग जो है आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिए हैं, ताकि थोड़ा टाइम जो है कम लगे, आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझाई जा सके। तो जो एक मॉडल ऑर्गेनिज्म था, उसको जो है हम लोग मॉडल बनाने का मतलब क्या है कि उसका एक्सपेरिमेंट हम लोग किस लिए कर रहे हैं। जैसे फ्रॉग जो मेढक है, इसका जनरली उस ऑर्गेनिज्म में लिया जाता है जिस पे सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं। वही अगर रैट पे बात किया जाए तो रैट का जीनोमिक मॉडल ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत लेते हैं। वही अगर जेनेटिक मॉडल ऑर्गेनिज्म की बात किया जाए तो ड्रोसोफिला एक एनिमल्स है, उसको जो है लेते हैं। इन सभी को लेने का मतलब हमारा ये होता है, ये उद्देश्य होता है कि इस पे हम लोग जो है क्या करें, स्टडी करें, एक्सपेरिमेंट करें, उसका ऑब्जर्वेशन करें, और उसके बाद हम लोग यह डिटरमाइन कर सके कि हाँ ये चीज़ें जो है हमें मिल रहा है। तो ये जो ड्रोसोफिला जो होता है, ये अच्छा होता है फॉर जेनेटिक एनालिसिस। अगर जेनेटिक एनालिसिस करना है तो इस एनिमल को लेंगे और इस पे रिसर्च करेंगे और पता चलेगा कि हाँ ये बहुत अच्छा है, क्योंकि ये ब्रीड इन लार्ज नंबर होता है एंड हैव शॉर्ट जनरेशन टाइम, इसका जनरेशन टाइम कम होता है, और लार्ज स्केल क्रॉसेज कैन बी फॉलोड बाई ओवर सेवरल जनरेशन। कई सारे जनरेशन्स में जो है ये क्या होता है, लार्ज स्केल पे क्रॉस कर जाता है। इसलिए जो है इसको जेनेटिक मॉडल ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत लेते हैं। मतलब इसको जो है इसलिए लेते हैं ताकि इसकी मदद से हम लोग जेनेटिक एनालिसिस कर सकें। ठीक है, वही अगर फ्रॉग की बात किया जाए तो ये रिसर्च और डेवलपमेंट बायोलॉजी के सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा रोल निभाता है, क्योंकि ये प्रोड्यूस करता है रोबस्ट इम्ब्रोस डैट कैन बी इजिली मैनिपुलेटेड एंड स्टडीज। ये जो जनरेट करता है, जो प्रोड्यूस करता है, उस पर आसानी से और इजिली स्टडी हम लोग जो है कर पाते हैं। उसके बाद अगर बात किया जाए रैट का, तो रैट का जो है जीनोम रिसर्च के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब, और ये आसानी से मैनेज किया जा सकता है जीनोम को, बिकॉज स्मॉल जीनोम साइज इसका होता है और लिमिटेड नंबर ऑफ रिपीट्स होता है, और जीनोम जो है सिमिलर होता है हमारा ह्यूमंस का। यानी जब कोई भी चीज़ ह्यूमन पे ट्रायल डायरेक्टली ना करके हम लोग पहले किस पे करते हैं, पहले रैबिट पे ट्रायल किया जाता है। आप कई सारे फिल्म वगैरह देखे होंगे जिसमें जब कोई दवा वगैरह एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो डायरेक्टली ह्यूमन पे ना करके पहले चूहे पे किया जाता है ना, रैट पे किया जाता है। उसके बाद जब उस पर सक्सेसफुली देखा जाता है तो फिर हम लोग जो है ह्यूमन पे करते हैं, बिकॉज ये जो है इसका जो जीनोम होता है रैट का, ये सिमिलर होता है ह्यूमन के। अगर रैट पे वो सक्सेसफुली वर्क कर गया तो ह्यूमन पे भी लगभग वर्क करने लायक हो जाता है। ओके, तो जो मॉडल ऑर्गेनिज्म था उसके अनुसार से मॉडल, तीन मॉडल बनाया गया। पहला है मैमेलियल मॉडल, नॉन मैमेलियल मॉडल और प्लांट मॉडल। मैमेलियन मॉडल में माउस और रैट को रखा गया, नॉन मैमेलियल और मॉडल में बैक्टीरियम, ईस्ट, नेमेटोड, फ्रूट फ्लाई, जेब्रा फिश, ये सभी आते हैं, और प्लांट मॉडल में जो है आपका अरेबिडोपसिस थैलियाना को रखा जाता है। इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मेमेलियन मॉडल में। मेमेलियल मॉडल में जो नेचुरली हम लोग मेमेलियन को यूज करते हैं वो आता है इकोली। ये एक नेचुरल मेमेलियम गट बैक्टीरिया है जिसका यूज जो है मॉडल ऑर्गेनिज्म के तौर पे करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये सिंप्लिसिटी होता है इसकी स्टडी करना, और ये जो है एक फंडामेंटल एस्पेक्ट हमें बायोकेमिस्ट्री और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बीच में हमें देता है। क्यों, इसका रीजंस क्या है कि इकोली को ही जो है हम लोग मॉडल ऑर्गेनिज्म रखें, क्यों हम लोग इसी को चूज करते हैं? इसको चूज करने का कई सारे रीजंस है, जिसमें पहला रीजन है कि ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जिसके कारण से इसका स्टडी करना सिंपल हो जाता है। दूसरा, इसका लाइफ साइकिल जो है छोटा होता है, यानी कम टाइम का ड्यूरेशन हमें वेट करना पड़ेगा। तीसरा, कि आसानी से ग्रो कर जाता है, कहाँ पे, जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स मिलता है इसे वहाँ पे आसानी से ग्रो कर जाता है।
चौथा ईजली जेनेटिकली मैनुपुलेटेड, इसका जो जेनेटिक होता है उसको आसानी से मैनुपुलेट यानी कैलकुलेट कर पाते हैं। पांचवा नॉन पैथोजेनिक होता है यानी हार्मफुल नहीं होता है, हम ज़्यादा डेंजरस नहीं होता है एंड डू नॉट फॉर्म एग्रीगेट, मतलब ये कॉम्प्लेक्स चीज़ों को फॉर्म नहीं करता है। तो इन पांच छह कारणों के कारण से हम लोग जो है इकोली को एज ए मैमेलियन जो है ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत रखते हैं जो कि मॉडल ऑर्गेनिज्म में आता है। और मोस्ट ऑफ आवर प्रेजेंट कॉन्सेप्ट, कई सारे हमारे प्रेजेंट कॉन्सेप्ट्स है जो कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का है, जैसे डीएनए रिप्लिसेंस, जेनेटिक कोड, जीन एक्सप्रेशन, प्रोटीन सिंथेसिस कम फ्रॉम द स्टडी ऑफ इकोली। ये जो इकोली का स्टडी है इसी से ये सभी जो है हमारा देखने को मिलता है, जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में ये चीज़ें आपका है। तो इसको जो है आप एक बार राइट डाउन कर लीजिए और उसके बाद हम लोग जो है आगे की ओर प्रोसीड करते हैं। तो अगला जो हमारा मेमेलियल मॉडल है वो है हमारा माउस, ठीक है। तो माउस को जो है हम लोग साइंटिफिक नाम अगर बात किया जाए तो इसको जो है मुस्कुलस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुस्कुलस, ठीक है। द माउस हैज द माउस हैज डेवलप्ड इनटू द प्रीमियर मैमेलियल मॉडल सिस्टम फॉर जेनेटिक रिसर्च। साइंटिस्ट्स फ्रॉम अ वाइड रेंज ऑफ बायोमेडिकल फील्ड have gravitated to the mouse because of its close genetic and physiological similarities to humans as well as the age with which its genome can be manipulated and analyzed. Some of reasons to make mouse as the model organisms
आर। पहला पॉइंट है दीज आर स्मॉल, दीज आर स्मॉल मेंटेन्ड मेंटेन्ड ईजली मेंटेन्ड ईजली एंड हैव शॉर्ट लाइफ। दूसरा ऑल न्यू ड्रग्स ट्रीटमेंट्स आर ट्राइड ऑन मीस। तीसरा देयर जेनेटिक्स बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स रिसेम्बल ह्यूमंस। इसको जो है लिखिए, जो जो चीज़ें मैंने आपको पहले बताया था ना कि जितना भी ट्रीटमेंट वगैरह होता है, जो भी एक्सपेरिमेंट वगैरह आप फिल्म वगैरह में देखे होंगे, वो सारी चीज़ें जो है माउस पे ही किया जाता है ना। तो इसलिए जो है इसके बारे में मैंने लिखवाया था, मैंने बताया भी था, वही चीज़ यहाँ पे जो है बस लिखा हुआ है और कुछ नहीं है, है ना। तो वही चीज़ इसको जो है नोट डाउन कर लो। ऐसा नहीं भी करोगे तो लास्ट में तो मैं टाइम देता ही हूँ नोट डाउन करने का, तो उसमें भी आप नोट डाउन कर सकते हो। चलो अगला जो ऑर्गेनिज्म है वो है फ्लाई फ्रूट। अगला ऑर्गेनिज्म है फ्रूट फ्लाई, फ्राइट फ्लू या फ्रूट फ्लाई, जिसको जो है हम लोग लिखते हैं ड्रोसोफिला मेला मेला मनो गेस्टर। ठीक है, ये होता है द फ्रूट फ्लाई इज अ वर्सटाइल मॉडल। ये एक वर्सटाइल मॉडल होता है, मॉडल ऑर्गेनिज्म होता है, ऑर्गेनिज्म डैट हैज बीन used in biomedical research for over a century to study a broad range of phenomena. There are many technical advantages. There are many technical advantages of using Drosophila over vertebrates. पहला relationship between humans genes and fruit fly genes is close. दूसरा 75% of genes that cause human diseases are found in fruit fly. C
दे हैव अ शॉर्ट लाइफ स्पैन जो कि 8 to 14 डेज होता है. एंड चौथा, दीज आर इन एक्सपेंसिव टू मेंटेन करना इन एक्सपेंसिव होता है. पांचवा, दीज हैव अ सिंपल डाइट नीडिंग सम कार्बोहाइड्रेट्स एंड सम प्रोटीन्स. एंड छठा पॉइंट है, इट इज इजी टू मैनिपुलेट जीन्स इन फ्रूट फ्लाई में जो जीन्स का मैनिपुलेशन होता है वो आसानी से होता है. उसके बाद अगला है ईस्ट. अगला क्या है? ईस्ट, राइट. ईस्ट इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म्स बट मेनी इसेंशियल सेलुलर प्रोसेसेस आर द सेम इन ईस्ट एंड ह्यूमन. ईस्ट और ह्यूमन में कई सारे वैसे सेलुलर प्रोसेस होते हैं जो कि क्या होता है, सेम होता है. इट इज देयरफॉर एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म्स टू स्टडी टू अंडरस्टैंड द बेसिक मॉलिक्यूलर प्रोसेसेस इन ह्यूमंस. बेकर्स हैज लॉन्ग बीन अ पॉपुलर मॉडल ऑर्गेनिज्म्स फॉर बेसिक बायोलॉजिकल रिसर्च. रीजन्स ए, पहला रीजन्स है, इट इज इजी टू मैनिपुलेट इन लैब. दूसरा, ईस्ट कैन कोप विद अ वैरायटी ऑफ एनवायरनमेंटल
conditions. C, yeast shows cell division. ठीक है, चौथा पॉइंट, 20% ऑफ जीन्स, 20% ऑफ जीन्स काउजिंग डिजीजेज आर फाउंड इन ईस्ट. मेनी ड्रग्स, डी हो गया ई, मेनी ड्रग्स आर टेस्टेड ऑन ईस्ट विच हैव फंक्शनल इक्विवेलेंट टू मैनी मैनिपुलेटेड ह्यूमन जीन्स टू रिवर्स द डिजीज. ठीक है, अब आई होप कि ये एक दो तीन है ना, तीन ऑर्गेनिज्म के बारे में मैंने बताया जो मैंने लिखवाया, इससे आप क्लियर आपको समझ में आ गया होगा मॉडल ऑर्गेनिज्म के तौर पे डिवाइड करने का मेन उद्देश्य क्या था. मेन उद्देश्य था कि जितने भी बायोलॉजी के फील्ड में ड्रग्स, मतलब जो भी दवाएं वगैरह बनाई जाती है, उन सभी को टेस्ट करने के लिए, चाहे जीनोम हो, जेनेटिक हो या एक्सपेरिमेंट हो, इन सभी के लिए जो भी ऑर्गेनिज्म को निकाला जाता है, मतलब सेलेक्ट किया जाता है और उस पर टेस्ट किया जाता है, उसी को जो है हम लोग यहाँ पे लेकर चलते हैं. तो सबसे पहला ऑर्गेनिज्म क्या था, इकोली, ठीक है, जो कि नेचुरली होता है. दूसरा था माउस, है ना, चूहा. तीसरा था फ्रूट फ्लाई, जिसको ड्रोसोफीला कहा जाता है. और तीसरा था ईस्ट, है ना. इन सभी पे जो हम लोग क्या करते हैं, कहीं ना कहीं बायोलॉजिकली क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं और उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं. बिकॉज कई सारे फंक्शंस जो है वो ह्यूमन से रिलेटेड होता है, ह्यूमन के सेल्स से के जैसा सिमिलर वर्क करता है उस ऑर्गेनिज्म का सेल, तो उस पर जो हम लोग टेस्ट करते हैं. वही चीज़ एक बार यहाँ पे मैं गो ओवर थ्रू कर देता हूँ, सारी पॉइंट्स को एक बार अगेन मैं पढ़ देता हूँ. इसमें कहा क्या जा रहा है, माउस जो है उसको डेवलप किया जाता है प्रीमियर मैमेलियन मॉडल सिस्टम के अंतर्गत, जो कि जेनेटिक रिसर्च के लिए यूजफुल होता है. जो साइंटिस्ट होते हैं वो वाइड रेंज ऑफ बायोमेडिकल फील्ड्स के, वो ये सारे माउस का यूज करते हैं, है ना, एक्सपेरिमेंट करने के लिए, रिसर्च करने के लिए. बिकॉज इट्स जेनेटिक एंड फिजियोलॉजिकल जो है, है ना, जो फिजियोलॉजिकल और जो जेनेटिक होता है वो लगभग सेम होता है जैसा कि ह्यूमन का होता है, है ना. ह्यूमन का जैसा जेनेटिक्स होता है, जीन्स होता है, उसके सिमिलर होते हैं. एज वेल एज इसका जो जीनोम होता है उसको मैनिपुलेट करना और एनालाइज करना भी आसान होता है. इसका मेन रीजन्स ये है सिलेक्ट करने का कि भाई ये स्मॉल होता है, मैनिपुलेशन ईजी होता है और छोटा समय के लिए होता है. जितने भी न्यू ड्रग्स होते हैं, ट्रीटमेंट्स होते हैं, और वो सभी किस पे किया जाता है, ट्राई मीस पे यानी माउस पे. देयर जेनेटिक बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स जो होता है वो लगभग सेम होते हैं ह्यूमंस के, इसलिए जो उसको सिलेक्ट करते हैं. उसके बाद आता है फ्राइट फ्लू, जिसको ड्रोसोफीला मेलानोगैस्टर कहा जाता है. ये वर्सटाइल मॉडल ऑर्गेनिज्म होता है और ये बायोमेडिकल रिसर्च के लिए बीते कई सालों से यूजफुल हो रहे हैं और इसका स्टडी इस के लिए करते हैं. इसका मेन एडवांटेज ये होता है कि इसका जो रिलेशंस होता है ह्यूमन जीन्स के और
फ्रूट फ्लाई के जीन्स वो लगभग क्लोज होते हैं। इसका जो 75% जीन होता है वो ह्यूमन डिजीज़ जो काउज करता है उसमें पाया जाता है फ्रूट फ्लाई, और दे हैव शॉर्ट लाइफ स्पैन, इसका लाइफ स्पैन बहुत कम छोटा होता है जो कि 8 से 14 दिन होता है। मात्र इतना दिन में वेट करने के बाद आपको जो है रिज़ल्ट आपके सामने जो है मिल जाएगा। उसके बाद दीज आर इनएक्सपेंसिव, ये ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता, ज़्यादा महंगा नहीं होता इसको मेंटेन करना, और आसानी से इसके जीन्स को मैनिपुलेट हम लोग कर लेते हैं फ्रूट फ्लाई में। उसके बाद आता है ईस्ट, ये भी जो है सिंपलेस्ट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। इसमें जो सेलुलर प्रोसेस होता है वो सेम होता है कुछ प्रोसेसेस जो कि ह्यूमन के में सेलुलर प्रोसेस होते हैं उसके जैसा, इसलिए ये जो है आसानी से इसका स्टडी करना और इससे समझ पाना इजी हो जाता है मॉलिक्यूलर प्रोसेसेस को जो ह्यूमन बीइंग में होता है। ब्रैकर्स हैज़ लॉन्ग बीन द पॉपुलर मॉडल, ये मॉडल पॉपुलर क्यों हुआ, तो इस मॉडल को पॉपुलर होने के पीछे रीजंस है कि भाई ये इसको आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है लैब में। ईस्ट को जो है कई सारे वेरिएंट इन्वायरमेंटल कंडीशंस में इसको जो है चेक किया गया है और उसका कंक्लूजन निकाला गया है। इसमें सेल डिवीजन होता है, 20% जीन्स जो होता है वो डिजीज़ काउजिंग होता है ईस्ट में, और इसमें भी ड्रग का टेस्टिंग किया जाता है कि भाई वो फंक्शन कर पा रहा है या फिर ईस्ट में या नहीं। अगर ईस्ट में उस वो फंक्शन कर पा रहा है ड्रग जो भी बनाए हैं वो, तो डेफिनेटली जो ह्यूमन बीइंग में जो कमिंग डिजीजेज हैं या जो डिजीजेज जनरेट हुए हैं, बीमारियां जो जनरेट हुई है उसको जो है सॉर्ट आउट किया जा सकता है, उसको सॉल्व किया जा सकता है। तो आई होप कि यहाँ तक जो है पूरी चीज़ें समझ में आ गया होगा, तो इसको जो है एक बार नोट कर लीजिए और प्रॉपर नोट्स जो है डियर आप लोग ज़रूर बना लीजिए, ये आपसे रिक्वेस्ट है हमारा। अगर आप प्रॉपर नोट्स नहीं बनाएंगे तो फिर ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगा और फिर बाद में आप दौड़ोगे फिरोगे कूदोगे, हमको नोट्स चाहिए हमको नोट्स चाहिए, तो गीत गाते रह जाओगे। और जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ अगर आप इस सभी का प्रॉपर नोट्स बना लेते हो तो डेफिनेटली आपको एग्ज़ाम में कोई नहीं रोक सकता है कि 70 में 60 नंबर लाने से। 70 में 60 नंबर आप डेफिनेटली लाओगे, बस शर्त है कि आप इन सभी चीज़ों को याद रखना होगा, क्योंकि डियर ये न्यूमेरिकल नहीं है कि आपको बस स्टेप पे नंबर मिलेगा, ये सारे की सारी चीज़ें थ्योरी वाली है, तो इसको आपको समझना होगा और समझ कर याद रखना होगा और अपनी भाषा में आपको जो है इसको लिखना होगा। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी कोई डाउट्स आता है तो आप हमें चैट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।